ऐसे स्टॉक सिलेक्शन आपका मानना पड़ेगा बहुत अच्छा है और अच्छे लेवल पर आपने एंट्री की। एसबीआई में हम लगातार एक तेजी देख रहे हैं, सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी देखी और देखिए 657 पर आ चुका है। क्वांटिटी आपने थोड़ी कम ली थी लेकिन प्राइस वाइज अगर देखेंगे तो काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेकिन बहरहाल अभी भी आप करीब 90,000 के आसपास का मुनाफा है स्टॉक में, तो उसके लिए कंग्रेचुलेशंस आपको। एसबीआई गौरांग आप सजेस्ट करिए, 192 पे लिया था, 657 पर आ चुका है ये स्टॉक, 2-3 साल का समय और दे सकते हैं, क्या राय होगी आपकी? धन्यवाद पूजा, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आपको, कविता को, हेमेन को और सभी दर्शकों को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो लतीफ जी को पहले तो अच्छा निवेश अच्छे स्तर पर, संख्या मायने नहीं रखता है लेकिन नजरिया बहुत मायने रखता है, और जिस प्रकार से जो स्तर पर निवेश किया है वहां पर बहुत ही सुरक्षित है इनका निवेश, पहली बात। दूसरी बात, लगातार प्रयास करने के पश्चात और जो मर्जर हुआ स्टेट बैंक और उनकी सब्सिडरीज का, उनके बाद कुछ समय तक बैलेंस शीट कमजोर थी लेकिन आज के तारीख में अगर आप देखने जाए तो बहुत मजबूत बैलेंस शीट, और उसी मजबूत बैलेंस शीट के आधार पर पूजा नतीजे बहुत ही शानदार आ रहे हैं। और सरकारी बैंकों की जो कुंडली पलटनी है वो हो चुकी है, और हमारा अनुमान ये कहता है कि जो अंतर था निजी क्षेत्र की बैंक में और सरकारी बैंकों में अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जल्दबाजी ना करें, समय सीमा इनके पास उचित है, निवेशित रहें, और जो नतीजे अब तक हमने देखे हैं पूजा, उस के आधार पर जो लक्ष्य हमने फिलहाल निर्धारित किया है वो करीबन 720 का है, लेकिन हमारा अनुमान ये भी कहता है कि आने वाले जो नतीजे होंगे वो अब तक के नतीजे हमने देखे उससे बेहतर होंगे, और उसी तर्क के आधार पर ये जो शांक है ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। एक दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ललित कुमार। ललित जी नमस्कार। चलिए शायद ये फोन लाइन पर नहीं है, इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछा है। IDFC फर्स्ट बैंक पर गौरांग आपके पास आऊंगी। ये जो भाव बता रहे हैं इनका 80 भाव है IDFC फर्स्ट बैंक, फोन लाइन पर है नहीं तो मुझे पता नहीं इनका नजरिया क्या होगा। तो कविता, पहले तो 45-50 के आसपास हमने बुनियादी तर्क के आधार पर IDFC फर्स्ट बैंक पर खरीदारी की राय निकाली थी, और लक्ष्य के रूप में करीबन 85 और 95 के लक्ष्य थे। 100 के आसपास जा करके ये स्टॉक में हमने गिरावट देखी, और उसी 85 और 95 के आसपास हमने हमारी जो खरीदारी की राय थी उसको तब्दील करके मुनाफा वसूली की राय दी थी, और 85 का लक्ष्य था। अब इनका निवेश 80 के आसपास है, मौजूदा स्तर करीबन 90 के आसपास। तो जब कभी भी यहाँ से थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे होते हैं तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए, और अगर 85 या उसके आसपास या उसके नीचे आता है तो फिर जा करके थोड़ी समीक्षा करें, लेकिन फिलहाल ऊपरी तरफ के दायरों में मुनाफा वसूली की राय है IDFC फर्स्ट बैंक पर। ठीक है, तो यह है सलाह IDFC फर्स्ट बैंक पर। अगला सवाल भी हमें व्हाट्सएप के जरिए ही आया है, अहमदाबाद से सुभाष जी का। दो सवाल हैं इनके। सुबेक्स है इनके पास, 600 शेयर्स 36 रुपये पे लिया है, हाल फिलहाल की खरीद लग रही है इनकी। और अशोक लेलैंड भी है इनके पास, 100 शेयर्स इन्होंने 85 रुपये पर लिया हुआ है। दोनों स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। सुबेक्स पर इमिन आप सलाह दीजिए, हाल फिलहाल की खरीद ही लग रही है, हल्के मुनाफे में है, अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? अब पूजा जी, मैं सुबह ट्रैक नहीं करता हूँ। ओके गौरांग जी, आप सलाह दे पाएंगे सुबेक्स में? पूजा, जब ही ट्रैक नहीं करते तो बुनियादी तर्क के आधार पर हम भी ट्रैक नहीं करते, लेकिन एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा पूजा इस सुभाष भाई को, कि आप अगर इस छोटे या फिर स्मॉल और माइक्रो कंपनीज में निवेश करते हैं तो आपके पास पहले तो समझदारी होनी चाहिए कि ये कंपनी क्या करती है, दूसरी बात जोखिम झेलने की क्षमता आपकी बहुत ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और हो सके तब तक, जब जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं पूजा, तो मैं हमेशा एक ही राय देता हूं कि आप क्वांटिटी बाय मत कीजिए, क्वालिटी बाय कीजिए। यानी कि कहने का तात्पर्य यह कि इस प्रकार के शेयर में निवेश करने से जोखिम होने की संभावना बहुत ज्यादा है। बाकी मैं इनकी सोच समझ और बुद्धिमत्ता पे छोड़ता हूं। दूसरी कंपनी जिस पर इन्होंने प्रश्न पूछा है, अशोक लेलैंड पर,
वहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है और लक्ष्य के रूप में करीबन 2010 के लक्ष्य 210 के माफ कीजिएगा पूजा 210 के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो भी नतीजे अब तक देखें उसके आधार पर। देश हैं भुवनेश्वर से जो सवाल पूछना चाहते हैं। अमलेश जी नमस्कार। नमस्कार मैम, अमलेश रॉय बोल रहा हूँ भुवनेश्वर उड़ीसा। जी सर। मेरा पास रेलटेल है 3,300 शेयर एट द रेट ऑफ 248। ओके। एंड मेरा पास टाटा पावर है 800 शेयर एट द रेट ऑफ 284 टाटा पावर। ओके ठीक है, तो मुझे बताइए कि दोनों में आपको कितना रुकना होगा। या मेरे को 1 साल से 2 साल तक मेरे को रुकना का मेरे को कोई इशू नहीं है। आई कैन वेट फॉर 1 एंड 2 ईयर्स। 1 एंड 2 ईयर्स गौरांग, इतना समय दोनों को ही दिया जा सकता है ना। तो कविता, अमलेश जी ने मेरे ख्याल से दोनों ही जो पसंदगी करी हैं क्षेत्र के आधार पर, मैं क्षेत्र के ऊपर पहले तो टिप्पणी करता हूं, ये बहुत ही सकारात्मक सा निवेश है रेलटेल और टाटा पावर। हालांकि रेलटेल पर बुनियादी तर्क के आधार पर कोई कवरेज नहीं, इसलिए मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्षेत्र के ऊपर मैं टिप्पणी करता हूँ। रेलवेज, इंडियन रेलवेज, जो भी कंपनियां निजी क्षेत्र की और सरकारी जुड़ी हुई हैं, और हमारा अनुमान ये कहता है कि जो भी नीतियों में बदलाव किया है सरकार ने भारतीय रेल की छवि सुधारने के लिए, फिर वो चाहे नए वैगन्स को जोड़ने की, कोचेस को जोड़ने की बात की हो, या फिर रेलवे स्टेशन का आधुनिकरण करने की बात हो, या फिर ट्रेनों की गति बढ़ाने की बात की हो, या फिर वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन लॉन्च और बुलेट ट्रेन जैसी आने वाले भविष्य में लॉन्चेस जो होंगे, उससे रेलवे क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। और जो मेरी मेरे पास जानकारी है कविता, वो ये कहती है कि करीबन 400 वंदे भारत ट्रेन कुल मिलाकर के भारत देश में पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो रेलवे से जुड़ी हुई कोई भी सरकारी या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी जो सक्षम और मजबूत है, और आप अगर आपका निवेश है, तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि में बहुत ही सकारात्मक हो सकता है। अब आते हैं ऊर्जा क्षेत्र पर, यानी कि पावर जनरेशन, और उसके साथ दो और क्षेत्र कविता जोड़ना चाहूंगा, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण, क्योंकि ये तीनों ही एक जोड़े दूसरे से बहुत करीब से हुए हैं। टाटा पावर पर पहले तो बुनियादी तर्क पर खरीदारी की राय है। मैं हाल ही में मैनेजमेंट के इंटरव्यू को सुन रहा था, फॉसिल फ्यूल से दूर हट के, यानी कि कोल बेस्ड जो ऊर्जा उत्पादन, कोयले से जो ऊर्जा उत्पादन होती है वहां से दूर हट के, हाइड्रो सूर्य किरण से उत्पादन होने वाली सोलार एनर्जी, वायु से उत्पादन होने वाली विंड एनर्जी, और आने वाले भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के जो अपॉर्चुनिटीज होगी, मौके मिलेंगे ना तो सिर्फ टाटा पावर को, बल्कि आगे बाकी जो अन्य ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी है उनको भी बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और हो सके तो इनको मैं ये राय दूंगा कि 1 या 2 साल से अगर ये और भी सीमा बढ़ाते हैं निवेश की, अगर इनको रुपए की जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये है सलाह टाटा पावर, और रेल टेल पर भी आपको सलाह दे दी गई है।